हेलो हाय, जय जगन्नाथ। मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे तरफ से आप सभी को, मेरे ओडिशा में जितने सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से हैप्पी रथ यात्रा। तो ये है कि घर में पूजा में बोली थी कल कराना था, तो अभी पंडित जी आ गए हैं, अभी सब कुछ रेडी हो रहा है। मैंने सोची कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लूँ, तब तक तो वही है, काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो खिड़की की देखेंगे आप, देखिए कितना सुंदर दिख रहे हैं। तो वही है कि अभी पूजा शुरू हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अभी क्या और बात करूँ। यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट हो गया है, हम लोग दोनों ही पूजा में बैठे थे, संकल्प हो रहा था, तो बस पूजा स्टार्ट हो गया। फिर आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। मम्मा काम कर रही है, मम्मा इधर पंचामृत बना रही है मम्मा। हाँ ठीक है। यहाँ पे भगवान जी को यानी जगन्नाथ जी को दूध दही शहद एंड पंचामृत गंगा जल सब में स्नान करा के ही हम लोग मंदिर में रखेंगे। तो वही ये स्नान भगवान जी को करा रहे थे यहाँ पे। ये देखिए शहद में ये करा रहे हैं स्नान। फिर इनको बहुत अच्छे से श्रृंगार करेंगे, जैसे चंदन सिंदूर लगा के नया कपड़ा पहना के फिर मंदिर में बैठाएंगे। दही पूरा डाल दो, रंग छड़ी जोड़े। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने भी इस व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार। तो हेलो एवरीवन, अभी क्या है ना, हवन शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है हवन। तो हवन के बाद सब लोग प्रसाद लेंगे। तो वही है आज के लिए, बस इतना ही पूजा के लिए तो इतना ही वीडियो है, और क्या दिखाऊंगी। इसके बाद आरती होगा, आरती के बाद हमारा पूजा ख़त्म हो जाएगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी को बस इतना प्रार्थना है कि सब अच्छे से रहें। वंस अगेन सभी को हैप्पी रथ यात्रा। यहाँ पापा मम्मी कॉल पे थे, वीडियो कॉल पे, तो वही है उनको भी दिखा रहे थे, पूजा चल रहा था। तो thank you.
अभी शाम हो गया था तो गार्ड भैया को मैं बुला के सभी के लिए प्रसाद दे रही थी, तो बस उसके बाद और मैं मिल नहीं पाई पूजा के बाद, इतना टायर्ड हो गए थे। फिर खाने लंच वगैरह में हम लोग भी फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हैप्पी रथयात्रा टू ऑल। हाँ, अभी क्या है ना, शाम हो गया है, शाम क्या रात हो गया है। अभी मैं डिनर ये देखिए रेडी करने जा रही हूँ, तो ये जब सब बर्तन वगैरह था सबको धो धा के रख ली हूँ। एंड ये जो पूजा का जगह थे देखिए मैंने पूरा क्लीन कर ली हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ दूर से। देखिए इधर ही पूजा हो रहा था ना, ये सबको क्लीन कर ली हूँ अच्छे से, भगवान जी को अपने जगह पे रख ली हूँ। अभी जा रही हूँ डिनर रेडी कर रहे, डिनर क्या रेडी करूँगी, जो बच्चा कुच्चा है आज थोड़ा वो ही एडजस्ट करेंगे, और जितना खाना है फेंका तो नहीं जाएगा, बस पूरी दो तीन तलना है मुझे, खीर वगैरह निकालना है सब कुछ। अभी जा रही हूँ मैं रेडी करूँगी एंड बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे हम लोग। और क्या करना है सुबह का, क्या है ना मैं लंच क्या क्या बनाई थी, बहुत कुछ आइटम बनाए थे बट दिखाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी सावर लेके आई हूँ तो फेस गीला है देखिए, तो कुछ नहीं दिखा पाई थी, तो मैंने सोची कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए किचन दूर से गंदा नहीं है बट थोड़ा बहुत फैला तो है ही, अभी क्लीन करूँगी जब पूरा हम लोग खा लेंगे ना, डिनर ख़त्म हो जाएगा तभी क्लीन करूँगी। चलिए मैं पूड़ी बनाती हूँ, फिर क्या क्या खा रहे हैं हम लोग मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। बुकी बुकी तेज, तो फिर ये टीवी बंद करोगे या नहीं? ये क्या, मेरे को तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है बेटा, क्या देखती रहती हो? तो आर्या का मैंने खाना लगा लूँ, खाओ फिर जल्दी। मैंने खाने में लगाई हूँ ये है पूड़ी एंड ये है घी अर्न जो होता है ना, घी वाला चावल नींबू डाल के बनाई थी, ये रायता है, ये पनीर है, ये खीर है एंड ये सुबह का प्रसाद है। सुबह का प्रसाद इन द सेंस कि जैसे कि हम लोग आटा वगैरह भूनते हैं सारे मतलब फ्रूट्स डाल के आटा एंड केला वगैरह, लड्डू है उसका फेवरेट, क्या लड्डू है बेटा? भीम लड्डू। चलो चलो जल्दी ले अपना फिनिश करो खाना। खाना पनीर कैसे बनाए बताना। एंड आज दोनों स्टूल को ना मैं ये रख दी, यहाँ पे रख दी हूँ। अच्छा है पक्का? हाँ चटपटा लग रहा है, ये तो है पानी। हाँ लो, खाने के टाइम में ज़्यादा पानी नहीं पीते ठीक है, तीखा तो नहीं है ना। चलो फिनिश करो अपना फटाफट।